करण जौहर ने शेयर किया फिल्म ड्राइव का टीजर, अब जाकर फाइनल हुई रिलीज की तारीख। फिल्म मेकर करण जौहर ने ट्विटर पर सुशांत सिंह राजपूत और जैकलीन फर्नांडिस स्टारर अपकमिंग फिल्म ड्राइव का टीजर शेयर किया है। करण इस फिल्म को अपूर्वा मेहता संग धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म इस साल 28 जून को सिनेमा घरों में पहुंचेगी। फिल्म ड्राइव को तरुण मनसुखानी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। करण ने फिल्म ड्राइव का टीजर सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर किया है। टीजर को कैप्शन देते हुए लिखा है, अपने रैंक पर तैयार हो जाओ, 28 जून को सिनेमा घरों पर ड्राइव करेंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म बीते वर्ष 2018 7 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन किसी कारणवश फिल्म की तारीख बदलनी पड़ी। बता दें कि फिल्म में लीड रोल करने जा रही एक्ट्रेस जैकलीन ने भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर फिल्म से जुड़ी जानकारी शेयर की थी। सुशांत सिंह और जैकलीन के अलावा फिल्म में बोमन ईरानी, पंकज त्रिपाठी और सपना पबी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। गौरतलब है कि बीता वर्ष करण जौहर के लिए बहुत ही फलदायी रहा, क्योंकि करण की प्रोड्यूस की गई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ हिट रही बल्कि उन्होंने खूब पैसा भी बटोरा। इसमें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिम्बा है जो 5 दिन में 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में कामयाब साबित हुई है। आखिर में बता दें कि फिल्म सिम्बा को एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने निर्देशित किया है। फिल्म में बॉलीवुड के खिलजी रणवीर सिंह और एक्टर सैफ अली खान की लाडली बेटी सारा अली खान लीड रोल में नजर आई हैं। फिल्म बीते साल 28 दिसंबर को रिलीज हुई थी।